चार साल बाद आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, क्या था जहन में? माशाल्लाह इनिंग तो बहुत अच्छी खेली, कितनी तैयारी थी और क्या सोच रहे थे, जहन में क्या था? अब जावेद भाई, तैयारी तो बहुत अच्छी थी और जब पता चला कि कल मैच खेल रहा हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे, तो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैच टेस्ट मैच खेल रहा था और ये एक्साइटमेंट थी कि 50वां टेस्ट मैच, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार पता नहीं 50वां टेस्ट मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मौका दिया और कोशिश की कि अच्छी प्रैक्टिस करके मैच में जाऊँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत तक की और दुआ यही है कि जो इनिंग खेली है वो टीम के काम आए आगे जाके। अच्छा सरफराज, बहुत अच्छी इनिंग खेली, पिछला जो 3-4 साल का अरसा गुजरा है, आपको नहीं लग रहा कि अगर ये अबूरी सिलेक्शन कमेटी ना आती तो शायद आपको भी अजहर अली की तरह घर जाना पड़ता? देखिए ये सारे जो है वो आपको पता है ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कब अल्लाह ताला मौका देता है इंसान को, और मेरी कोशिश भी यही थी कि जब मैं टीम में था जब नहीं बाहर भी था तो मैं अपना काम करता रहूँ, कोशिश की कि जहाँ डोमेस्टिक मिली वहाँ डोमेस्टिक खेलूँ, जो भी फॉर्मेट खेलने को मिला कोशिश की कि अपनी क्रिकेट खेलूँ और परफॉर्म करूँ, और बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली एक क्रिकेटर के जहन में ज़रूर आती हैं, लेकिन ये है कि बस यही सोच के खेलता था कि अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मुझे जो भी मिला खेलता रहूँ, बस अल्लाह ने मौका दिया और सारे निज़ाम जब अल्लाह ताला आपको खिलाता है तो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती हैं और आपकी जगह खुद ही बन जाती है टीम में। सरफराज, क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी 2019 जनवरी में एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें 50 भी किए हुए हों, पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया हो, 10 कैच हों और फिर टीम से ड्रॉप हो जाएं और उसके बाद फिर टीम के साथ साथ रहे लेकिन खेल नहीं पा रहे थे, तो क्या अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जो मोटिवेट कर रही थी कि गिव अप नहीं करना, कमबैक ज़रूर होगा? रशीद भाई देखिए, मैं हमेशा से ना एक बात कहता हूँ कि मैं जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो मैं शायद बहुत अच्छे लोगों के हाथों में गया जिन्होंने मुझे हमेशा क्रिकेट की गाइडेंस दी और हमेशा मेरे मुश्किल टाइम पे अच्छे टाइम पे वो लोग हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी मेरे साथ हूँ, और अगर आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की गाइडेंस थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा ये कहा कि यार अपना मेहनत करते रहो, मौका मिलेगा मौका मिलेगा, और हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ कि आज़म भाई यहाँ पर मौजूद है, नदीम उमर साहब है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हालांकि इतनी आपको पता है कि पोजीशन अच्छी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद अपनी टीम में कैप्टन बना के रखा, जफर भाई हैं और कुछ आप में से हमारे सारे दोस्त हैं जो कि हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं यार आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट पे फोकस रखो, तो यही सारी चीज़ें हैं, फैंस हैं, फैमिली है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, तो अल्लाह का खुश शुक्र है कि मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ। अच्छा सरफराज, पहले तो बहुत मुबारक हो शानदार इनिंग्स पे, जब अंदर जा रहे थे क्योंकि होम ग्राउंड पे पहली दफ़ा खेल रहे थे, वो क्या फीलिंग्स जो जब क्रैम पड़ गया था डाइव के बाद, उस वक्त आप मुझे, मैंने देखा कि आपने आपको मार भी रहे थे, तो उस वक्त फाइट करना कितना मुश्किल हो रहा था? देखें अगर आप मेरी पहले फीलिंग का पूछें, जो पहली 3 बॉलें खेली हैं मेरे लंग से पहले, तो अगर आप उस वक्त मेरी कोई हार्ट बीट चेक कर लेता तो शायद मीटर फट जाता, तो बहुत हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी कि जैसे आपका डेब्यू है, काफ़ी टाइम बाद मैच खेल रहा था और पोजीशन भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस वक्त क्रंच थी, तो लंच हुआ है तो जो लड़के मेरे साथ खेलते हैं उनको अंदाज़ा हो गया था, तो वही बोल रहे थे कि सैफी भाई नॉर्मल हो जाए नॉर्मल हो जाए, तो मैं ही कह रहा था कि यार हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो बस ये कि अंदर गया तो बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और एज अ सीनियर प्लेयर जिस तरीके से उसने लेके चला मुझे भी, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, जब आप मैच खेलते हैं तो आपको डेफिनेटली जब कमबैक होता है तो ऐसा लगता है कि आप पहली बार ही मैच खेल रहे हैं, तो बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी, और दूसरी बात देखिए वो घुटना लग गया था थोड़ा सा अंदर जो एडक्टर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी होती थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है अभी। सरफराज, आपको यकीनन इल्म होगा कि आप इस मैच के साथ एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, दुनिया के वाहिद बैट्समैन है आप, टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने होम में डेब्यू करने के लिए 49 टेस्ट खेले तो ये बड़ा, तो कैसा लग रहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इनिंग आपने खेली है वो एक मैसेज भी है दूसरों के लिए भी और खुद आपके लिए भी, तो अब इसको कंटिन्यू फॉर्म को कंटिन्यू करना होगा, तो इसके लिए फिर क्या प्लान अब तरतीब दे रहे हैं? देखिए यही है कि और ज़्यादा फोकस होना है और ज़्यादा मेहनत करनी, जिस तरीके से जब भी मौका मिल रहा था, जब मैचेस में भी नहीं थे तो कोचेज के साथ यहाँ पे जो है वो काम कर रहे थे, और जो हमारे टीम में जो कोचेज हैं शाहिद असलम साहब, उनके साथ काफ़ी मैंने काम किया शुरू में, जब मैं टीम में मेरा कमबैक भी होता 2014 में, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, यूसुफ भाई से बातचीत होती रहती है, तो ये सारी चीज़ें हैं और कोशिश करूँगा जो गलतियाँ हैं उसको और बेहतर से बेहतर करूँ। सरफराज, थोड़ा सा विकेट को डिस्क्राइब करेंगे, शुरू में हमने देखा कि थोड़े से आपने जो एजेस से आपके थर्ड मैन की तरफ और गए, 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए, 2 फास्ट बॉलर्स खिलाए, तो विकेट कैसा आपको लग रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 दिन कैसा चलेगा, और कितना दुख हुआ जब 86 के ऊपर आप? देखें दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ और बस यही कोशिश थी कि यार सेंचुरी करूँ, तो और बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन फिर यही सोचता हूँ कि यार
अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता तो फिर क्या होता। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने जबरदस्त इनिंग खिलाई है। और जहां तक रही पिच की बात, तो पिच शुरू में जो पहला जो सेशन था 2 आवर्स का, उसमें बहुत ज्यादा बॉल ग्रिप किया, उसने बॉल टर्न किया और आपने देखा कि उन्होंने नए बॉल से स्पिनर से बॉलिंग करवाई है। तो ये कि अब जो है पिच थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ा टाइम मिल रहा है, लेकिन स्टिल जो है पिच में जो है वो टर्न मौजूद है। और अगर अच्छी रिवर्स स्विंग बॉलिंग की जाएगी, अगर आप देखें तो उन्होंने हमें बहुत कंटेन करके रखा, लंच और टी के बाद कंटिन्यूसली फास्ट बॉलिंग से बॉलिंग कराई है। तो ये कि रिवर्स के ऑप्शन मौजूद है और स्पिनर थोड़ी सी वेरिएशन से बॉल करेंगे तो स्पिनर के लिए हेल्प मौजूद है। अच्छा सरफराज, जब मैच यहाँ पे हो रहा था इंग्लैंड का, तो उस पर क्राउड वाले कह रहे थे, क्राउड जो वहाँ मौजूद थे उस पर कह रहे थे सरफराज सरफराज एंड यू केम बैक वेरी गुड। तो अब ये बताएं कि आपने जो आप पर तनकीद कर रहे थे, आपने जो जवाब दिया है अच्छी अच्छा परफॉर्म करके, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो हमेशा आप पर क्रिटिसाइज करते थे? देखिए मैं ये कहता हूँ, हमेशा सब लड़के भी ये बात करते हैं कि तनकीद जो है परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए और ज़ाती तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्रिकेटर जो होगा वो अगर परफॉर्मेंस बुरी करेगा तो जाहिर सी बात है लोग उसके लिए बात करेंगे, दूसरे खिलाड़ी को खिलाने की बात करेंगे। लेकिन हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज़ाती तनकीद पर उतर आते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बस सरफराज आपने आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत आपको मुबारक हो। और सिलेक्शन कमेटी, पूरी सिलेक्शन कमेटी जो चेयरमैन है शाहिद आफरीदी, उनका ट्वीट भी आया कि आपने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया है। आपके साथ मीर हमजा की सिलेक्शन है, वो भी मैच खेल रहे हैं, आपने रिवर्स स्विंग का जिक्र किया, तो क्या वो न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए, उनकी बैटिंग लाइन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं इस विकेट के ऊपर? देखें बिल्कुल, रिवर्स स्विंग जो है अगर आप एक जगह पे करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और देखें उन्होंने भी कंटेन करके कोशिश की और हमारे भी रन रोकने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीर हमजा भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है एक दो साल से, और अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसकी पूरी कोशिश होगी इसको ग्रैब करें। और जहाँ तक रही बात शाहिद भाई की, तो डेफिनेटली शाहिद भाई से जब कल रात में वो होटल आए तो उनका मैसेज आया था, तो फिर मैंने उनको कॉल की और उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया और बस कोशिश की कि उनके अहतमात भी पूरा उतने। सरफराज, ये जो 4 साल का अरसा था, एक क्रिकेटर के लिए कैसा टाइम होता है कि जब आप एक तरफ कप्तानी कर रहे हो, फिर इतना लंबा अरसा 49 से 50 टेस्ट मैच खेलने के लिए इतना टाइम गुजर गया, तो ये ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब आप इतने अरसे टीम से बाहर रहे? देखिए माइक भाई, मैंने पहले भी बताया, लेकिन 4 साल ऑब्वियसली जब इंसान खेल रहा होता है तो कोशिश ये होती है कि दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए खेले, लेकिन जो 4 साल रहे और काफ़ी थोड़े से मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन ये कि अपने आप को बैक किया। और मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैं हमेशा अच्छे लोगों में उठा बैठा जिन्होंने अच्छी गाइडेंस दी क्रिकेट में। हमेशा यही बोला कि जब तक क्रिकेट खेल रहे हो क्रिकेट खेलते रहो, दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दो, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने मौका फराम किया और बस इस यही मौके का इंतजार था कि एक अपॉर्चुनिटी मिले और इसको अवेल करूँ, कोशिश की है, थोड़ा सा अवेल किया, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी कामयाब करेंगे।